नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, आप पब्लिकली कैसा बिहेव करते हो, वो भी आज मैं 5 पैरामीटर आपको बताऊंगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इतने अच्छे वीडियो शेयर करें। अब हम लेके चलते हैं इंपैक्ट आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट करता है। फर्स्ट, किसी पर्सन से आप डिटैच हो जाते हैं या अटैच हो जाते हैं। कोई भी आपका कलीग हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, और उसने बहुत बार आपको किसी बात पे धोखा दिया है, ठीक है, किसी बात पे आपको इग्नोर किया है, किसी बात पे आपकी इंसल्ट किया। रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भाई है बहन का, वो आपको बहुत ही बेइज्जती कर रहा है, इज्जत ही नहीं दे रहा, बट वो बहन उसके पीछे घूम रही है सारा दिन। तो ये इमोशनल अटैचमेंट, ये जानते हुए भी कि ये आदमी ने मुझे धोखा दिया है, या ये आदमी मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, या ये आदमी मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो ये 100% पीएल आता है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, फील हाई गिल्ट। अब ये हाई गिल्ट एक एज रिग्रेशन की वजह से भी होती है। दोनों अलग है, पीएलआर अलग है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और एज रिग्रेशन। जो स्टूडेंट्स हैं दोनों अलग अलग पढ़ते हैं, एज रिग्रेशन अलग पढ़ते हैं और पीएलआर अलग पढ़ते हैं। पर पीएलआर की वजह से जो इस जन्म में ना, एज रिग्रेशन को हटाने के लिए इस जन्म के अंदर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे चाइल्डहुड से आज तक। कभी कहेंगे आप उसके ऊपर पूरा वीडियो बना देंगे। पीएलआर में क्या है, सडन गिल्ट है आपको विदाउट नोइंग एनी रीजन। कोई भी ऐसा काम आपने नहीं किया है जो जिसके लिए आपको शर्मिंदा होना पड़े, बट आपको गिल्ट, और उस गिल्ट का कोई अंत नहीं। सडन हो जाती है, आप बैठे बैठे बड़े उदास रहते हैं, सोचते रहते हैं, एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, और सडन गिल्ट की वजह से आप कभी कभी नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं। तो ये सडन गिल्ट जो अगर आता है आपको, तो ये पीएलआर की वजह से आ रहा है, पास्ट लाइफ की वजह से। हाई सेल्फ फ्रस्ट्रेशन, हम फर्स्ट जो सेल्फ फ्रस्ट्रेशन है वो इतनी हाई कर देते हैं कि उसके आगे हमें कोई चीज दिखती नहीं, और इतने ज्यादा पैनिक होके इतने ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगते हैं उस फ्रस्ट्रेशन पे। आप कॉलेज जा रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो गया, आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे, 15 मिनट लेट हो जाएं, कोई बात नहीं, बता सकते हैं लेक्चरर को कि मैं डेली टाइम पे आ रहा था, आज ही लेट आया, बट आप इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि बाजू वाले से आपने गुस्से में कर दी घुसाबाजी, और क्या होगा, उसने आपका गला पकड़ा, आपने उसका गला पकड़ा, जो 15 मिनट की डिले थी वो 2 घंटे की डिले हो गई, और फिर बाद में आप कह रहे हैं यार ये लाइफ बेकार है, ये दुनिया बेकार है, मैं जहां रहता हूं वही बेकार है। तो हमारी सेल्फ फ्रस्ट्रेशन चल रही है, या कोई आदमी गलत ड्राइविंग कर रहा है, वो आपके आगे से चला गया, वो चला गया, वो जाके अपने घर बैठा है, बट आप सेल्फ फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कैसे चला रहा था, क्यों चला रहा था, किस लिए चला रहा था। अगर सेल्फ फ्रस्ट्रेशन इस तरह की बढ़ रही है बिना किसी रीजन के, जो नॉर्मल रीजन है उसकी वजह से अगर एक बढ़ रही है, डेफिनेटली पीएलआर का इशू है। आगे चलते हैं, स्पेशल ड्रीम्स। ये एक स्पेसिफिक चीज है, ड्रीम थेरेपी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ड्रीम थेरेपी में हम पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी एक स्पेसिफिक ड्रीम्स आते हैं, और वो कभी कभी स्पेसिफिक टाइम पे भी आते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो पीएलआर का इशू है, वही ड्रीम आपको बार 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 आ रहा है, कुछ ना कुछ चीज की इंटीमेशन आपका पैरा सबकॉन्शियस माइंड आपको देना चाह रहा है, और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए वो ट्रिगर हो रहा है बार बार, तो ये भी पीएलआर का इशू है। फील डीप पेन, हम हर चीज में कभी कभी बहुत ज्यादा डीप पेन फील करने लगते हैं, जबकि उसका कोई रीजन नहीं है।
मैं आपको इसका भी आसान सा एग्जांपल देता हूं, आप अपनी लाइफ में कंपेयर कर सकते हैं। आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि मेरी जॉब चली गई। अब जॉब गई नहीं है, उसने स्मार्टली प्ले किया, उसने जॉब शिफ्ट किया, बट वो अभी बताना नहीं चाह रहा। कोई भी रीजन हो सकते हैं, लोग दूसरी जगह ज्वाइन करके ही बताते हैं, और आपको कह रहे हैं यार जॉब चली गई, अब तो घर में बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। अब वो नॉर्मल बात कर रहा है, ना ही उसने ये रिक्वेस्ट किया कि कोई जॉब हो मुझे बताना, ना ही उसने कोई रिक्वेस्ट किया कि आपके यहाँ कोई चल रहा हो, कोई जानकार हो वहां तक मुझे रिकमेंड करना, कोई बात नहीं, उसने कोई बात ही नहीं किया आपके साथ। अब आप वापिस आ गए, वो आराम से बैठ के चाय को खड़े खा रहा है घर पे, आप परेशान हो गए, हाय बेचारे की जॉब चली गई, यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत ही गलत हुआ, देश ही खराब है। आप पता नहीं कितनी पॉलिटिकल पार्टी को, कितने लोगों को गालियां दे रहे हो, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, डीप पेन फील कर रहे हो। हॉस्पिटल चले गए, तो दूसरा लाइट एग्जांपल, किसी आदमी को कोई सीरियस डिजीज है, कुछ भी हो सकता है, कैंसर है, कुछ है, आपका क्या रोल है? आप परेशान हो रहे हो, यार ये क्यों हो गया, ये कैंसर पैदा ही क्यों हुआ, क्यों देश में कैंसर होना ही नहीं चाहिए था। जो आदमी है वो तो बेचारा जिस पेन में है, आप जरूर उससे चार गुने पेन लें, अगर ऐसा हो रहा तो डेफिनेटली पीएलआर का इशू है, तो ये आपके लाइफ के अंदर इम्पैक्ट है।